गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेंट एंजल्स की ऑनलाइन क्लास में आज हम सूरदास जी द्वारा रचित अपने फोर्थ एंड लास्ट काव्यांश को पढ़ेंगे, जिसमें उद्धव गोपियों को योग ज्ञान का संदेश देते हैं। तो उन्हें ये ज्ञान जो श्री कृष्ण के द्वारा दिया जा रहा है वह बहुत अन्यायपूर्ण लगता है और मधुकर जिसे उद्धव कहा गया है, संबोधित करते हुए श्री कृष्ण को कहती हैं कि वह तो राजनीति पढ़कर आए हैं, उनकी बुद्धि और अधिक होने का दावा करती हैं। इस प्रकार आपस में बात करते हुए एक सखी दूसरी सखी से कहती है, देखिए, हरि है राजनीति पढ़े आए, हरि है राजनीति पढ़े आए। हे सखी, हरि अर्थात श्री कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़े आए हैं। राजनीति से तात्पर्य है कि ये कहा जाता है कि राजनीति में छल कपट का सहारा लिया जाता है, इसलिए उन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि राजनीति पढ़े आए हैं और वो अब राजनीतिज्ञ बन गए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, कहती है कि ये एक उनकी सोची समझी साजिश है, उनकी एक सोची समझी साजिश है जो मधुकर अर्थात उद्धव द्वारा ये समाचार हम तक पहुँचाए हैं। एक अति चतुर हेतु पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, किसके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, श्री कृष्ण के लिए। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, अब ऊपर से उन्होंने और ग्रंथ पढ़ लिए हैं तो अब वो पहले से भी ज़्यादा चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, मतलब अपनी इस बड़ी हुई बुद्धि का परिचय देते हुए ही तो उन्होंने योग साधना संबंधी हमारे पास बातें भेजी हैं। योग साधना से संबंधित जो बातें भेजी हैं वे उनकी बड़ी हुई बुद्धि का ही परिचय है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित ढोलत हाय, हे उद्धव, पहले जो लोग होते थे बड़े सीधे साधे होते थे, जो दूसरों का कल्याण करते हुए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब आपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए, कहते हैं कि अब मन फेर पाइए, कहते हैं हमारा जो मन श्री कृष्ण के पास था वो तो यहाँ से ले गए हैं, जो हमारे पास मन था वो जब श्री कृष्ण यहाँ से गए थे वो ले गए, अर्थात इसमें क्या कहा गया, चुरा ले गए। चुरा लेने से तात्पर्य वो हमारा मन ले गए, अब हम उस मन को किन से जाकर लें, हे उद्धव आप ही बताइए कि